हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एमएनसी फैक्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्ट्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। जब आप एमएनसी में जॉब करने लगेंगे तब आपको ये पार्ट या फिर ये फैक्टर्स रियलाइज होंगे कि रियली ये फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेजर फैक्ट्स के बारे में आज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दो टाइप्स की ज्वाइनिंग होती है एमएनसी में। वन टाइप की ज्वाइनिंग होती है ऑन रोल और दूसरे टाइप की होती है ऑफ रोल। यानी यहाँ पे ऑन रोल मतलब आप उस एमएनसी के थ्रू, एमएनसी के अंडर, एमएनसी के ऑन रोल बेस पे उस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो। तो उस एमएनसी की जो पैरेंट पॉलिसीज है, जितनी भी पॉलिसीज है वो पैरेंट पॉलिसीज आपको लागू होती है। यानी कंपनी की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, कंपनी के जितने भी लॉज है वो आपके ऊपर लागू होते। और दूसरा यहाँ पे फैक्ट है कि बहुत सारे बार आपकी जो ज्वाइनिंग्स होती है वो ऑफ रोल पे होती है, यानी यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग्स होती है। तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पॉलिसी को लेके, टर्म्स को लेके, या फिर कुछ आपको फैसिलिटीज अप्लाई की जाती है उस फैसिलिटी को लेके। कुछ यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। सो बेसिकली वो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे गाइज। सो सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्शंस आता है पॉलिसी को लेके कि मान लो कि पैरेंट कंपनी में लोगों को अगर एक्स वाई जेड पॉलिसीज मिल रही है तो उसके अंडर अगर आप थर्ड पार्टी के पर्सनस हो तो आपको सिर्फ एक्स वाई पॉलिसी मिलेगी। यानी कुछ हद तक आपकी पॉलिसीज यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की जाती है। सो होप कि जो कोई भी बंदा थर्ड पार्टी के ऊपर काम कर रहा हो उसको बस इतनी पॉलिसी मिलती है। दूसरी चीज़ सैलरी को लेके गाइस, क्योंकि अगर पेरेंट कंपनी आपको लगभग 100% सैलरी देती हो, यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज में काउंट करूँ उस सैलरी को, लेट इट बी। सो ये जो थर्ड पार्टी के थ्रू आपको सैलरी होती है, सो इस 100% में जहाँ तक मैं बात करूँगा इस थर्ड पार्टी के ऊपर सैलरी की, तो 100% में जो कंपनी होती है आपकी, थर्ड कंपनी होती है, थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो खुद को 20-25% सैलरी होल्ड करके रखती है एज अ कमीशंस। और उसके बाद जो 80% सैलरी होती है वो मिलती है आपको। सो सैलरी में भी डिडक्शंस होता है और आपको जो बेसिक पॉलिसीज अप्लाई होती है उन पॉलिसीज में बहुत सारी पॉलिसीज इस कंपनी की होती है जो इस कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर लगाई हुई है। यानी रिस्ट्रिक्शंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऊपर आता है। तो कोशिश कीजिए जब कभी भी आप एमएनसी ज्वाइन करेंगे किसी भी एमएनसी को, तब उस एमएनसी के ऑन रोल फैक्टर्स पे आप ज्वाइन हो जाए, ना कि ऑफ रोल फैक्टर्स पे। हालांकि अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रहा हो, इन दैट केस आप थर्ड पार्टी रोल पे ज्वाइन हो सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उस कंपनी के ऑन रोल को ज्वाइन हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका परफॉर्मेंस देख के या फिर आपकी जो क्वालिटी देख के बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी से ऑन रोल पे आ जाते, लेकिन इसका भी 10% का रेशो है, यानी 90% लोगों को फिर से कहीं री अप्लाई करना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि फर्स्ट टाइम ही आप उस पॉलिसी को, फर्स्ट टाइम ही इस ऑन रोल प्रोसेस को अप्लाई करें, ऑन रोल के थ्रू ही आप उस कंपनी को ज्वाइन करें। सो बताने का बेसिक मोटिव यही है गाइस कि अगर आप थर्ड पार्टी ज्वाइन हो रहे हो तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।